नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं मोस्टली यूनिक। दोस्तों, आज जो प्रोडक्ट हम अनबॉक्स करने जा रहे हैं वो है एक इलेक्ट्रिक चॉपर। ये बेसिकली एक किचन गैजेट है जिसकी हेल्प से हम अनियन और गार्लिक और दूसरी भी वेजिटेबल्स को इजीली चॉप कर सकते हैं। पहले जो चॉपर्स आते थे वो मैनुअल होते थे, लेकिन ये इलेक्ट्रिक चॉपर है। तो हम पहले इसको अनबॉक्स करेंगे और फिर टेस्ट करेंगे और देखेंगे कि क्या ये सही तरीके से काम कर रहा है। अगर तो ये सही तरीके से काम कर रहा है तो किचन के लिए बहुत ही बढ़िया गैजेट हो सकता है, बहुत ही यूजफुल गैजेट हो सकता है। तो चलिए इसको पहले अनबॉक्स करते हैं और फिर करते हैं इसको टेस्ट। तो दोस्तों, ये है पैकिंग इलेक्ट्रिक चॉपर की, और यहाँ सामने की तरफ अगर आप देखें तो यहाँ पे इसका पिक्चर दिया हुआ है प्रोडक्ट का, और ऊपर लिखा हुआ है इंटेलिजेंट इलेक्ट्रिक गार्लिक मशीन, जो कि ये है। और इस साइड अगर देखें तो यहाँ पे आपको बताया गया है कि किन किन चीज़ों को आप इससे चॉप या क्रश कर सकते हैं। इसमें गार्लिक है, जिंजर है, मीट है, वेजिटेबल्स हैं, चिली है, पम्पकिन है, पीनट्स और वॉलनट्स, सब इन सब चीज़ों को आप क्रश या चॉप कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको बताया गया है कि ये प्रोडक्ट दो कलर्स में अवेलेबल है, एक पिंक और एक वाइट। हमने इसको पिंक में ऑर्डर किया है। और इधर देखें तो यहाँ पे भी इसकी एक पिक्चर है प्रोडक्ट की, जो कि वाइट कलर में है। और यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, इसमें बताया गया है कि ब्लेड जो है उसको केयरफुली आप जो बॉल है उसकी सेंटर में रख के उसके बाद इसको ऑन करिए, और कोई भी चीज़ अगर आप इसमें चॉप करने के लिए डाल रहे हैं तो उसको छोटा छोटा पीस में काट के डालें, पूरा ना डाल दें। जैसे मान लीजिए कि अगर आप अनियन इसमें चॉप कर रहे हैं तो अनियन को बीच से दो हिस्से में काट लें और तब इसमें डालें और चॉप करें तो ये इजीली चॉप हो जाएगा। और इसको अच्छे से कवर करें, यही सब इसमें बताया गया है। और इस तरफ अगर देखें तो ये वही सामने सेम पैकिंग है, ऊपर भी इसका ये इंटेलिजेंट इलेक्ट्रिक गार्लिक मशीन लिखा हुआ है। तो हम इसको सीधे ओपन करते हैं और देखते हैं कि ये कैसा लगता है। दोस्तों, यहाँ हमें तीन चीज़ें देखने को मिलती हैं। एक है ये इलेक्ट्रिक चॉपर जो कि बहुत ही बढ़िया दिख रहा है, और दूसरा है ये यूज़र मैनुअल जिसमें आपको पूरी डिटेल बताई गई है कि कैसे इसको यूज़ करना है और वॉश करना है। और तीसरी जो चीज़ है वो है ये चार्जिंग केबल, जिसको आप किसी भी मोबाइल के अडैप्टर से कनेक्ट करके और इसको चार्ज कर सकते हैं। और अगर हम इलेक्ट्रिक चॉपर को देखें तो दोस्तों, ऊपर हमें सबसे पहले यहाँ पर देखने को मिलता है ये चार्जिंग पॉइंट। इसको अगर आप ओपन करेंगे, ये चार्जिंग के लिए पॉइंट दिया हुआ है। और सामने की तरफ अगर आप देखें तो यहाँ पे ये पुश बटन है, ये ऑन एंड ऑफ बटन नहीं है। इसको आपको जितनी देर के लिए भी चॉप करना है तो इस बटन को आपको होल्ड करके, इस तरीके से होल्ड करके खड़े होना पड़ेगा। ये ऑलरेडी चार्ज्ड है, और यहाँ देख सकते हैं आप कि इसको दबाने के बाद यहाँ पर एक ब्लू लाइट जलती है, जो कि बहुत ही बढ़िया लुक दे रहा है। और ये इसको ऑन करके हम खड़े होंगे तो ये देखिए चॉपर शुरू हो गया, और हमने छोड़ दिया तो बंद हो गया। तो ये बेसिकली इसको आपको लॉन्ग होल्ड करना पड़ेगा किसी भी चीज़ को चॉप करने के लिए। ये देखिए, तो बहुत ही केयरफुल तरीके से आप इसको यूज़ करें। और इसको अगर आपको खोलना है तो इसको ऊपर की तरफ आपको पुश करना पड़ेगा कुछ इस तरीके से, और ये ओपन हो जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो ब्लेड है ये आप ईज़िली निकाल सकते हैं और फिर दोबारा इसमें डाल सकते हैं। तो जब भी आप कोई भी चीज़ में चॉप करें तो पहले ये ब्लेड आप निकाल लें, उसके बाद जो भी आपका मटेरियल है उसको आसानी से निकालें, नहीं तो आपको ये लग सकता है। और ये जो बाउल है ये भी बहुत ही बढ़िया है, स्ट्रॉन्ग है, जो प्लास्टिक्स की है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, मजबूत है ये, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। और हम फिलहाल इसको उसमें डाल देते हैं। और इसको भी इसमें डाल देते हैं, और आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे ये इसके जो इसमें होल्स हैं वो इस बॉल में भी, ये देखिए खांचे कटे हुए हैं, इसमें ये जाके और फिक्स हो जाएगा। ऐसे ही आपको डालना है, तभी ये जाके सही से फिक्स होगा। इसका जो ऊपर का ये हिस्सा है ये हिलेगा नहीं, ईजिली ये ग्रिप पकड़ लेगा, अदरवाइज़ ये जो है ग्रिप नहीं पकड़ेगा और खुला रह जाएगा, जिससे कि आपको चोट भी लग सकती है और जो मटेरियल अंदर होगा वो बाहर निकल सकता है चॉप होने के टाइम पे। तो इसको सही से आपको बंद करना होगा, ये जो इसके खांचे हैं इसमें डाल के आप इसको बंद कर सकते हैं, तो ये बहुत अच्छी तरीके से बंद हो जाएगा, इतनी जल्दी खुलेगा नहीं। और आपको खोलना है तो ऊपर की तरफ आप प्रेस करेंगे तो ये खुल जाएगा। तो दोस्तों, ऐसे तो ये बहुत ही बढ़िया लग रहा है और लुक बहुत अच्छा दे रहा है। अब हम इसमें अनियन और गार्लिक को डाल के और चॉप करके देखते हैं कि ये अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है कि नहीं, चॉप अच्छे तरीके से कर रहा है कि नहीं। तो दोस्तों, पहले हम इसमें अनियन डालेंगे और अनियन को चॉप करके देखेंगे कि अच्छे से चॉप हो रहा है या नहीं।
और हम इसमें ये अनियन को डाल देते हैं। तो गाइस जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये अनियन जो है ये लेंथ में बड़ा है, तो वो ढक्कन बंद नहीं हो रहा था, तो मैं इसको एडजस्ट करके देखता हूँ और ये बंद हो गया है। तो आपको इसके साइज़ का ही इसको काटना पड़ेगा, तभी ये जाके बंद होगा। अभी भी देखिए ये सही से बंद नहीं हो रहा है, बिकॉज ये जो है नीचे से अनियन इसमें लग रहा है। तो इसको आपको छोटा छोटा पीस ही इसमें काट के डालना पड़ेगा, हो सके तो चार पीस डालिए या सही से इसको एडजस्ट करके तब डालिए। अब ये सही तरीके से बंद हो गया है जब मैंने इसको सही तरीके से सेट किया। तो बेसिकली इसको सेट होने के लिए ऊपर थोड़ी सी स्पेस चाहिए ढक्कन बंद होने के लिए प्रॉपर, और अगर ढक्कन ये इसका बंद नहीं होगा तो सही से ये चॉप नहीं होगा, ये बाहर निकल सकता है, आपको लग सकता है, तो इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो चलिए इसको चॉप करते हैं। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने इसमें बड़े पीस डाले हैं, और क्योंकि ये इसमें फंस गए हैं तो ये चॉप नहीं हो रहा है, तो मुझे इसको दोबारा से काट के इसके छोटे पीस डालने पड़ेंगे, तब जाके ये चॉप होगा। तो दोस्तों हमने छोटे पीस करके डाल दिए, अब इसको ऑन करके देखते हैं। अभी भी ये चॉप नहीं कर रहा है दोस्तों, क्योंकि मुझे लग रहा है इसमें ज़्यादा पड़ गया था। अब हमने तीन डाले हैं अनियन के पीसेस, और अब देखते हैं। तो गाइस मैंने इसमें तीन चार पीसेस डाले थे, वो एक साथ इसमें चॉप हो नहीं रहे थे क्योंकि इसमें फंस रहा था, तो मैंने इसमें सिंगल डाला, तो सिंगल तो हो गया और काफ़ी अच्छी तरीके से हो गया सिंगल, तो काफ़ी छोटे छोटे पीसेस में हो गए हैं ये देखिए। अब मैं दोबारा इसमें दो डाल के देखता हूँ। तो दोस्तों अब मैंने इसमें दो पीस डाले, तो इसको घूमने का जो एरिया है वो मिल गया उसके ब्लेड को, तो ये अच्छे से चॉप हो रहा है, ये देखिए अच्छे से चॉप कर रहा है ये। ये देखिए दोस्तों ये बहुत ही बढ़िया तरीके से चॉप हो गया है, लेकिन इसमें एक ही बस दिक्कत नहीं बोलूंगा मैं, एक ही आपको ध्यान रखनी पड़ेगी चीज़ कि इसमें ज़्यादा सामान आप ना डाल दें, जो भी डालें छोटे छोटे पीस में डालें और कम कम डालें, तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से वर्क करेगा। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पहले सामान निकालने के लिए जो भी आपने चॉप किया है पहले ये ब्लेड निकालें, वरना ये ब्लेड आपको लग सकता है, उसके बाद ये आप जो इसमें सामान है वो ब्लेड पर निकाल सकते हैं। तो गाइस ये देखिए बहुत ही छोटा 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 इसने चॉप कर दिया है, बहुत अच्छे तरीके से चॉप कर दिया है, ये देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से इसने चॉप कर दिया है बहुत ही छोटे पीसेस में। तो प्रोडक्ट तो बहुत ही बढ़िया है, बहुत अच्छे से चॉप हो गया है, बस एक ही चीज़ उसमें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि आपको थोड़ा थोड़ा उसमें पीस डालने होंगे, एक साथ चार पीस डाल देंगे तो वो उसको घूमने की जगह नहीं मिलेगी और वो चॉप नहीं हो पाएगा, अदरवाइज बहुत ही बढ़िया तरीके से इसने काम किया है, बहुत ही ईजिली ये हो गया है। और अब हम इसमें गार्लिक डाल के और उसको हम चॉप करके देखेंगे, लेकिन एक चीज़ में आपको ये ध्यान रखनी पड़ेगी कि आपको वॉश करने से पहले, ये तो आपका वॉश हो जाएगा इसलिए, लेकिन इसमें आपको ऊपर यहाँ पे पानी नहीं डालना है वॉश करने के लिए, आपको सिर्फ इतना ही एरिया वॉश करना है, या तो आप इसको किसी चीज़ से पोंछ दीजिए वो ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर आप ऊपर डालेंगे तो यहीं पर इसका चार्जिंग पॉइंट है, तो ये ख़राब हो सकता है, और ऑलरेडी क्योंकि बैटरी इसमें पड़ी है ये हमेशा चालू ही रहता है, तो बेटर ही रहेगा कि आप सिर्फ यहाँ पे पानी डालिए, इसको पोंछ लीजिए किसी चीज़ से। तो दोस्तों अब हमने इसमें गार्लिक डाल लिया है, और अब गार्लिक को हम चॉप करके देखेंगे कि ये अच्छी तरीके से चॉप हो रहा है या नहीं। तो हमने इसको अच्छी तरीके से बंद कर लिया है और अब हम इसको ऑन करते हैं।
देख सकते हैं दोस्तों, ये बहुत ही अच्छी तरीके से चॉप हो गया है और इसमें आपको आवाज़ लग रही होगी, ये बहुत ज़्यादा आवाज़ नहीं है ऐसा कैमरे में लग रहा होगा, लेकिन ठीक ठाक आवाज़ है, इतनी ज़्यादा आवाज़ नहीं है कि इसमें कुछ ज़्यादा आपको प्रॉब्लम हो सके, ठीक ठाक आवाज़ है। और बहुत ही बढ़िया तरीके से, तो गाइस इसने बहुत अच्छे तरीके से चॉप कर दिया है, बहुत छोटे छोटे पीस, ये देखिए बहुत छोटे छोटे पीस चॉप हो गए। और भी आपको अगर इसको और छोटा करना चाहें तो और ज़्यादा ब्लेंड करें, सॉरी चॉप करें। और गाइस एक चीज़ और मैं बता दूं आपको कि इसमें आप पेस्ट नहीं बना पाएंगे, ना गार्लिक जिंजर पेस्ट वगैरह कुछ नहीं बना पाएंगे, क्योंकि ये चॉपर है, ब्लेंडर नहीं है, तो ये चॉप ही करेगा, पेस्ट नहीं बनाएगा। और अब इसको हम प्लेट में निकाल के देखते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि गार्लिक को कितना छोटा छोटा इसने चॉप कर दिया है, ये देखिए इतना छोटा छोटा चॉप ही हो गया है, बहुत बढ़िया तरीके से इसने चॉप किया है। तो दोस्तों प्रोडक्ट तो ये बहुत ही बढ़िया है, बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है और इजी टू कैरी है, चार्जिंग आराम से इसमें हो जाएगी और आपको पहले की तरह जो पहले के चॉपर आते थे जो मैनुअल होते थे, उसको रस्सी से खींच के आपको चॉप करना पड़ता था, वो मेहनत अब आपको नहीं करनी पड़ेगी, ये इजीली जैसा आप इसमें डालिए बटन को पुश करिए और ये चॉप कर देगा। तो मेरे हिसाब से बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है और अगर आप लोगों को परचेज़ करना हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, वहाँ पर जाके आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। दोस्तों अगर आज की वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और बेल आइकन को भी क्लिक करिए, ताकि मैं जो भी नया वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, जल्दी मिलते हैं नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक यू।